अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त जी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कपडे, बूट चपलांची दुकाने खुले करण्यात आली आहेत, ती दुकाने मुस्लिम धर्मियांचा पवित्र असा रमजान महिना व ईद संपेपर्यंत चालू न करण्याबाबतचे निवेदन अर्पण एज्युकेशन सोसायटीच्या सदस्यांनी जामनेर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल पाटील यांना दिले आहे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कपडे, चपला, बुटं हे दुकाने बंद न ठेवल्यास सर्व नागरिक खरेदीसाठी घराबाहेर पडतील व परिणामी कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आणखीनच झपाट्याने वाढेल। यासाठी अर्फात एज्युकेशन सोसायटीच्या सदस्यांनी दुकाने बंद ठेवण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे। आज हम लोगों ने अर्फात एजुकेशन सोसाइटी जामनेर की तरफ से मुख्याधिकारी साहब को निवेदन दिया कि जामनेर में जो शॉपिंग की दुकानें हैं, कपड़ा और जूते वगैरह, ज्वेलरी वगैरह की जो दुकानें हैं, वो रमज़ान ईद तक बंद रखी जाए। इस निवेदन देने का मकसद सिर्फ यही है कि शॉपिंग के लिए अगर लोग बाहर निकले तो उसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और कोरोना फैलने का खतरा ज़्यादा रहेगा। इसके लिए हमने ये निवेदन दिया है मुख्याधिकारी साहब को और उनसे निवेदन किया है कि ईद तक जो है तो दुकानें बंद रखी जाए। मेरा मुस्लिम भाइयों से ये कहना है कि इस्लाम धर्म में अपने अगर फ्रूट या फल खाकर उसका छिलका बाहर फेंका जाए और उस छिलके को देखकर किसी गरीब का दिल दुखता है तो उसका जो दिल दुखा है उसका जिम्मेदार जो है तो फ्रूट खाने वाला है। तो उसी तरह से मेरे मुस्लिम भाई ये सोचे कि अगर वो नए कपड़े या नए जूते अगर पहनेंगे और जो गरीब है उसको देखेगा तो उसका दिल दुखेगा। तो इसके लिए बराए मेहरबानी जो है तो इस साल ईद पर नई चीज़ें ना खरीदें, जो पैसे बचे उस चीज़ से जो है तो किसी के स्कूल की फ़ीस या घर का किराया या फिर राशन किट या ऐसी चीज़ें जो है तो गरीबों को मुहैया करा दें या गरीबों की मदद करें। मेरा यही कहना है जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज़ के माध्यम से। पुनः भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज़। नमस्कार।